ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो रेसलमेनिया 35 के एक मैच के लिए हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। यहाँ पर ज्यादातर फैंस ये चाह रहे थे कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जीत जाए। सेथ रॉलिंस की जीत हुई लेकिन एक बहुत ही अजीब तरीके से, क्योंकि सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर सेथ रॉलिंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रॉक लेसनर जैसे इतने तगड़े सुपरस्टार इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं, WWE ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या प्लान्स हो सकते हैं, तो आज के इस एपिसोड में इसी बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके भी काफी सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अब ब्रॉक लेसनर के साथ अगर किसी भी सुपरस्टार का मैच है तो पहले से उसे प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। विंस मैकमैन को उनकी वैल्यू पता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एंड मोमेंट पर अगर हम बड़ी चीजों की बात करें तो विंस मैकमैन डिसीजन चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। और इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे, लेकिन सभी को डर था कि कहीं लास्ट साल की तरह ना हो, कि रोमन रेंज का भी सभी को लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं जीते थे। लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को और वो बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, सिर्फ 150 सेकंड्स के अंदर ही, मतलब 2.5 मिनट के अंदर ही ब्रॉक लेसनर हार गए सेथ रॉलिंस से। तो देखो, इसके पीछे कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको एक रीसेंट की अपडेट बताऊं तो ऐसी यहां पर बातें सामने आ रही कि अगस्त के आसपास हमें ब्रॉक लेसनर की UFC में फाइट देखने को मिल सकती है अगेंस्ट डैनियल कॉर्मियर। आपको याद ही होगा कि यूनिवर्सल चैंपियन रहते ब्रॉक लेसनर UFC के अंदर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने चैलेंज कर दिया था डैनियल कॉर्मियर को। 2019 के अंदर चांस काफी अच्छा है कि हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। आपको बता दूं, जो यहां पर डेट सामने आ रही है वो अगस्त के आसपास है। तो WWE ने यहां पर ब्रॉक लेसनर को इसलिए आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि अब जब ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी से जा रहे हैं तो क्यों ना उनको हार दे ही दी जाए, और सेथ रॉलिंस के यहां पर इसलिए फायदा हो सकता है उनको जल्दी जिताकर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर काफी बड़े सुपरस्टार हैं, उनको इजीली हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो बात अलग है, यहां पर अगर ये कहे कोई कि लो ब्लो के तरीके से उन्होंने हरा दिया, लेकिन फिर भी जीत तो यहां पर जीत होती है। इतनी जल्दी जीत दर्ज करना सेथ रॉलिंस का ब्रॉक लेसनर के ऊपर थोड़ा सा हैरान करने वाला है। तो यहां पर क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके हाथ से जा चुकी है, तो ऐसे में यहां पर अब यही हमें पिक्चर नजर आ रही है कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी से चले जाएंगे और वो UFC की अपनी अगस्त वाली फाइट के लिए अभी से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहां पर WWE ने ऐसा किया होगा और उन्होंने सेथ रॉलिंस को एक बड़ी जीत दी। इसके अलावा यहां पर एक दूसरा रीजन इसका यह भी हो सकता है, WWE आगे सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉक लेसनर के फ्यूड को कंटिन्यू करवा दे, क्योंकि जैसा हमने इसका कॉन्ट्रोवर्शियल एंड देखा कि सेथ रॉलिंस की लो ब्लो की वजह से यहां पर ब्रॉक लेसनर जीते, हो सकता है पॉल हेमन ऐसा दावा करें आगे आकर कि ब्रॉक लेसनर तो हार ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अगर सेथ रॉलिंस चीटिंग ना करें तो फिर तो ब्रॉक लेसनर को हरा पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा है, नामुमकिन है। तो इस तरीके से यहां पर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड को आगे कंटिन्यू करने के लिए WWE ने यहां पर ऐसा एंगल दिखाया और इसीलिए ब्रॉक लेसनर इतनी जल्दी हार गए सेथ रॉलिंस से। वैसे आप लोगों ने ये चीज तो देखी होगी कि मैच शुरू होने से पहले ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही ज्यादा पहले सेथ रॉलिंस को धो दिया था और उसके पीछे बात तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच शुरू नहीं होगा, लेकिन फाइनली किसी तरह बेल स्टार्ट होती है और बेल जैसी बजी उसके बाद हम लोगों ने सेथ रॉलिंस का एक जबरदस्त रूप देखा। यहां पर WWE से कुछ डिफरेंट तरीके से भी सोच सकती है, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा भी देखने को मिल जाए कि अब WWE सेथ रॉलिंस को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक करने वाली है और सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूचर में ऐसी बुकिंग देखने को मिलेगी जहां पर वो सुपरस्टार्स को काफी बुरी तरीके से हरा देंगे, क्योंकि अब वो एक बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। यूनिवर्सल चैंपियन बनना सच में काफी बड़ी बात होती है और एक रीजन यहां पर हम लोग ये भी दे सकते हैं कि क्योंकि बहुत लंबे टाइम से कोई भी सुपरस्टार ऐसा नहीं था मंडे नाइट रॉ पर जो कि चैंपियनशिप को लगातार रॉ पर लाए, और चैंपियन बनने के बाद सेथ रॉलिंस ये भी कह चुके हैं कि अब वो एक फाइटिंग चैंपियन है, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करते रहेंगे। तो यहां पर इस तरीके से कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके चलते सेथ रॉलिंस ने काफी इजीली हरा दिया ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो मारने के बाद और फिनिशर्स लगाने के बाद। वैसे हम लोग मैच में ये देखते हैं ब्रॉक लेसनर के कि यूजुअली ब्रॉक लेसनर अपने अपोनेंट सुपरस्टार्स को अपने मैचेस में इस तरीके से हराते हैं, पेपर के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर के ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर की ये चीज उल्टी उन पर ही पड़ गई और उन्हें यहां पर रेसलमेनिया 35 जैसे बड़े इवेंट में सेथ रॉलिंस के हाथों काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना कि आपका क्या कहना है सेथ रॉलिंस की एक बड़ी जीत के बारे में और यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बारे में। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।